एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में हमने पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा था। वो पॉल्यूटेंट्स जो एयर को पॉल्यूट करते हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नॉक्स, सॉक्स, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को वो लटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, VOC। वो लटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओजोन, O3 और पार्टिकुलेट मैटर, ये जो सब्सटेंसेस हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, ये जब ईयर में आ जाए तो ईयर पॉल्यूट हो जाएगा। तो अगर ईयर पॉल्यूट हो जाए उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन? उसके हॉरेबल नतायज निकलेंगे, खौफनाक नतायज निकलेंगे। कौन कौन से consequences of air pollution? Acid rain will occur, global warming will occur, global warming ka dusra naam hai greenhouse effect, smog will form, smog, what is smog? To iske detail baad mein padhte hain। स्मोक की दो किस्में हैं, एक को कहते हैं इंडस्ट्रियल स्मोक, दूसरे को कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर विल अकर, ओजोन लेयर में कमी आएगी। ओजोन लेयर की क्वांटिटी में, की थिकनेस में कमी आ जाएगी। तो ये एयर पॉल्यूशन के कंसिक्वेंसेस। अब हर एक को डिटेल से पढ़ते हैं कि एसिड रेन क्या है, किस तरह से होता है। तो हर एक का डिटेल, फर्स्ट वन इज एसिड रेन। ओके, तो पहला खौफनाक नतीजा ईयर पॉल्यूशन का है एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? रेन वाटर हुज पीएच इज लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। एक्सप्लेनेशन, फॉसिल फ्यूल मॉडर्न जिंदगी में एनर्जी का हुसूल ये एक चैलेंज है। कारखाने चलते हैं, हमें बिजली की जरूरत रहती है, बिजली पैदा करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, गाड़ियां चलाने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, घरों में भी हमें एनर्जी चाहिए चूल्हा जलाने के लिए। तो मॉडर्न जिंदगी में हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में। फॉसिल फ्यूल का मतलब है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो फॉसिल फ्यूल हमारी जिंदगी का एक अहम जुज है, इसे हम जलाते हैं इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी। ये हमें एनर्जी तो देते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिससे हम अपने रोजमर्रा के काम काज करते हैं, यानी कारखाने चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, घरों में चूल्हा जलाते हैं। लेकिन साथ में इनके कंबस्टन से ये दो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भी
एससीबी और एससीबी, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड मेनली वो कारखाने या वो एनर्जी सेक्टर जहां पे कोल को यूज किया जाता हो, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। और जब भी आग जलेगी, साथ में NO2 गैस जरूर बनेगी, जरूर। ये कैसे? ये एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है, तो एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन और आप आग जलाते हो, यानी आप उसी नाइट्रोजन ऑक्सीजन को एनर्जी देते हो, तो वो आपस में मिल जाते हैं, NO2 बना लेते हैं। तो जब भी आग जलेगी ये गैस जरूर बनेगी, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये है एसिडिक। ये एसिडिक ऑक्साइड्स एयर में शामिल हो जाते हैं, और जब बारिश होगी तो ये बारिश के पानी में डिजॉल्व होगी, CO2 डिजॉल्व होगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H2O यानी बारिश के पानी में SO2 ऑक्सीजन की मौजूदगी में डिजॉल्व होके H2SO4 बनाएगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में डिजॉल्व होके नाइट्रिक एसिड बनाएगा, ये ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं। और ये ऑक्सी एसिड्स बारिश के पानी के साथ नीचे आएंगे, ये और ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो ये बारिश के पानी का पीएच जो पहले से 5.6 होता है इसे मजीद कम करेगा, और बारिश कहलाएगा एसिड रेन। अच्छा, जब ये एसिड बारिश में नीचे आएंगे तो ये डायरेक्टली अगर हमारे ऊपर पड़ जाए, हमारे स्किन को, हमारे बालों को, हमारे कपड़ों को, ये डैमेज करे। इसके अलावा इमारतें, बिल्डिंग के एक्सटीरियर को ये डैमेज करते हैं। ये मेटल के बने हुए स्टैचूज, मार्बल के बने हुए स्टैचूज डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे साइज में डिक्रीज करते हैं। यानी आपने अपने घर का दरवाजा खूबसूरत बनाया होगा, लेकिन जब उस पे ये एसिड रेन पड़ेगा तो उसका साइज कम होता जाएगा, उसे जल्दी जंग लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तो मटेरियल के लिए इसका डैमेज इफेक्ट। अच्छा, ये बारिश जब नीचे जमीन पे पड़ेगी तो ये जमीन की जरखेजी को खा जाता है, खत्म करता है, यानी ये फर्टाइल लैंड को, जरखेज जमीन को बंजर बना देगा। ये फर्ज करिए एग्रीकल्चर लैंड है,
और बारिश का पानी जो कि एसिड रेन है ये नीचे आया, तो अब यहां पे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी, क्रॉप्स फसल अब उगेगी नहीं। व्हाई? बिकॉज यहां पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स ये अब इस एसिड में ज्यादा सॉल्युबल है, तो ये प्लांट्स को गिज़ा नहीं मिलेगी। अच्छा, ये एसिड रेन अपने अंदर कॉपर को, मरकरी को और लेड को डिसॉल्व करेंगे। ये तीनों टॉक्सिक मेटल्स हैं, लीथल है, लीथल। बारिश का एसिड रेन इन तीनों मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करेंगे और ये बारिश का पानी जिसमें ये हैवी मेटल्स मौजूद होंगे ये चले जाएंगे समंदर में, और समंदर में ये हैवी समंदर में होंगे फिश, ये हैवी मेटल समंदर के पानी से फिश के अंदर, और इसी फिश को जब फिर ह्यूमन खा लेते हैं तो ये उनके पेट में चले आएंगे, और ये हैवी मेटल्स गुर्दों को नाकारा करते हैं, यानी रीनल फेलियर कास करते हैं, स्किन के कलर को उड़ा देते हैं। इसके अलावा लीवर सीरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एसिड रेन एक बहुत ही होलनाक नतीजा है जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, और इसके लिए तीन गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पहले दो यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये फॉसिल फ्यूल के जलाने से बनते हैं, और NO2 जब भी, वो बात मैंने शुरू में आपको बताई कि जब भी आप आग को जलाओगे, जब भी आप आग जलाओगे NO2 गैस जरूर बनेगी। अच्छा, एयर पोल्यूशन का दूसरा खौफनाक नतीजा जो निकलता है वो है ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे हम यू डिफाइन करते हैं, इट इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। ग्लोब के टेम्परेचर में इंक्रीज आना, इजाफा होना, जमीन के टेम्परेचर में इजाफा किस वजह से? ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी मीन्स सोलर एनर्जी, रेडिएशन, ट्रैपिंग ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रेडिएशन ट्रैप हो जाते हैं। कौन उसे ट्रैप करता है? गैसेस। कौन सी गैसेस? ये कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, मीथेन यानी हाइड्रोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये गैसेस कहाँ पे होते हैं? ये एयर में होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को हम यू डिफाइन करते हैं, इट इज इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ट्रैपिंग। ट्रैप का मतलब है पकड़ना। ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाई गैसेस प्रेजेंट इन एयर। देखें, द
बैकग्राउंड को, दिस इज सन, और ये है ग्लोब यानी जमीन। ये एटमॉस्फेयर, इसमें गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ढेर सारी गैसेस, पर हम सिर्फ इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। तो इस एयर के अंदर ढेर सारी गैसेस, पर हम जिक्र करेंगे सिर्फ इन गैसेस, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, दिन के बाद सूरज से रेडिएशंस आते हैं, इन रेडिएशंस की एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम, तो ये इन गैसेस से पास हो जाती हैं और ये आके जमीन को हिट करते हैं, जिससे जमीन गर्म हो जाती है। ये अमल किस वक्त होता है? दिन के बाद, जब सूरज अपनी पूरी आबोथाप पे, जब सूरज चढ़ा हो, तो ये अमल होता है। शाम को जब सूरज ढल जाए, यहां से रेडिएशन आ नहीं सकते, क्योंकि हम इनसे एक साइड पे हो जाते हैं। ये रेडिएशन दिन के वक्त नीचे आ रहे हैं, इन गैसेस से पास हो रहे हैं। वाई? बिकॉज इनकी एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, तो ये इनसे डायरेक्टली पास होते हैं। ये अमल किस वक्त हुआ? एट डे टाइम, दिन के वक्त। अब इसे आप हटाए, दिन गुजर गया, जब सूरज डल जाए तो जमीन से फिर रेडिएशन निकलते हैं, इन रेडिएशन को IR रेडिएशन कहते हैं, इंफ्रारेड। इनका वेवलेंथ होता है ज्यादा, ये कम एनर्जेटिक है, और ये जो गैसेस हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस, इन्हें केमिकली कहते हैं इंफ्रारेड एक्टिव, यानी ये IR रेडिएशन को एब्सॉर्ब करते हैं। अब ये देखिए, ये रेडिएशन जो कम एनर्जेटिक है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, ये रेडिएशन इन गैसेस से पास नहीं हो सकते, ये गैसेस इन्हें ट्रेड करते हैं, ऊपर जाने से रोक लेते। अब ये रेडिएशन जब ऊपर जाएंगे नहीं, तब तक ये जो जगह है ये ठंडी नहीं होगी, ये रेडिएशन यहीं पे ही रुक जाते हैं। रेडिएशन का मतलब है एनर्जी, तो एनर्जी यहां पे रुक गई, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा निकलेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस इंक्रीज इन टेम्परेचर को ग्लोबल वार्मिंग, यानी ये जो ग्लोब है ये गर्म हो रहा है, जो जमीन है ये गर्म हो रही है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल तो ये चार है, पर इसमें जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन जिम्मेदार है, असल जिम्मेदार, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
इफेक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन 50% होता है और ये बाकी जो है ये माइनर कंट्रीब्यूटर है, माइनर कंट्रीब्यूटर। यानी ये सारे मिलके रिमेनिंग 50% अकेला कार्बन डाइऑक्साइड 50% रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी मुसलसल एयर में बढ़ रही है क्योंकि हम फ्यूल जला रहे हैं, तो ग्लोब का एवरेज टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से होगा क्या? अगर जमीन की टेम्परेचर यूं मुसलसल बढ़ने लगी तो इससे क्या होगा? Again, इसके और ना the consequences will be horrible. इससे क्या होगा? इससे ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। जब जमीन का टेम्परेचर बढ़ने लगे तो ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल दुनिया भर में समंदर का पानी ऊपर चढ़ जाएगा और ढेर सारे मुल्क और शहर समंदर बुर्द हो जाएंगे, समंदर में दब जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही खौफनाक नतीजा। दूसरा होलनाक नतीजा क्या होगा? क्लाइमेटिक चेंजेस प्रिडिक्ट करवाने इम्पॉसिबल हो जाए। यानी बारिश कब होगी इसके बारे में कबल अस वक्त हम कुछ नहीं बता सकते। आजकल तो प्रिडक्शन होती है एक महीने पहले से कि इस फलां तारीख को 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन बारिश होगी, लेकिन जब जमीन का टेम्परेचर यूं मुसलसल बढ़ने लगे तो फिर क्लाइमेटिक चेंज को प्रिडिक्ट करवाना ये इम्पॉसिबल हो। तूफानी हवाएं चलेगी, सैलाब आएंगे, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के हॉरिबल कंसिक्वेंसेस। अच्छा, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं? व्हाई नॉट ब्लू हाउस इफेक्ट, येलो हाउस इफेक्ट, रेड हाउस इफेक्ट, व्हाई ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो देखो, वो इलाके जहां पे साल के 12 महीने बर्फ पड़ी रहती है, यानी ये पहाड़ है और इस पहाड़ ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है, क्या यहाँ पे सब्जा उगाना यानी फसलें उगाना मुमकिन है? नो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, लेकिन यहाँ पे भी हम सब्जा उगा सकते हैं। एक खास किस्म का घर अगर हम ये बात जहन में रखें कि ये बैगुनी जगह जितनी भी है इट विल लुक White because of ice. इसने सफेद चादर ओढ़ रखी है तो ये बैरूनी जगह बिल्कुल सफेद है। अगर हम एक खास किस्म का के शीशे से घर बना लें, इस शीशे में वही खूबी होती है जो कि इन ग्रीन हाउस गैसेस में, इससे रेडिएशन तो अंदर आ सकते हैं पर फिर बाहर नहीं जा सकते। अंदर रेडिएशन आएंगे दिन के बाद और ये रेडिएशन अंदर ट्रेप होंगे, फिर ये रेडिएशन यहां से बाहर निकल नहीं सकते। तो इस घर का टेम्परेचर इस एनवायरमेंट के मुकाबले में ज्यादा है, यानी ये घर अंदर से गर्म है। अब ये जगह गर्म है
तो क्या अब हम अंदर सब्जा उगा सकते हैं? बिल्कुल। तो ये अंदर से कैसे नजर आएगा? It will look what? Green from interior. Hence the name greenhouse effect is given. ये अंदर से ग्रीन नजर आता है और इसका ये जो बैकग्राउंड है ये वाइट है, यही वजह है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं।